राजधानी शिमला ऐतिहासिक भवन टाउन हॉल में जल्द हाई एंड कैफे खुलने जा रहा है। इसको लेकर दिल्ली की एक कंपनी के साथ नगर निगम ने समझौता कर लिया है और कंपनी हर महीने नगर निगम को 13 लाख किराए के रूप में देगी। लोगों को एक ही छत के नीचे विभिन्न तरह के खाने की चीजें मुहैया हो सकेंगी। ये कैफे टाउन हॉल के धरातल मंजिल में खोला जाएगा। आगामी 3 माह के भीतर यहाँ पर कैफे खोला जाएगा। नगर निगम के आयुक्त आशीष कोहली ने बताया, कैफे निगम के लिए राजस्व उत्पन्न करने में मदद करेगा, जिसने दिल्ली के एक कंपनी के साथ समझौता किया है। हर महीने नगर निगम को 13 लाख रुपए का भुगतान करेगा। 10 साल की अवधि के लिए ये कंपनी को दिया गया है, जहां पर कंपनी हाई एंड कैफे खोलेगी। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला। ये जो एमसी में हमने एक हाई एंड कैफ़े खोलना था, जो टाउन हॉल का ग्राउंड फ्लोर है, और उसके लिए हम ये जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो एचपीआईडीबी ने की है। हम उनके भी धन्यवादी हैं, और उन्होंने इस टेंडरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करके वहाँ पे जो है एक जो पार्टी है उसको ये टेंडर दिया है। तो इसके अंदर कंसेशनिंग पार्टी एमसी होगी व कंसेशनर वो पार्टी होगी, और जिसमें कि उनको जीएसटी को इंक्लूड करके 13 लाख रुपए जो है महीने का एमसी को देना होगा, और वो वहाँ पे एक हाई एंड कैफ़े चलाएंगे। इसके अंदर हमने अपने नोडल ऑफिसर जो हैं वो एक्सीएन महोदय को इसमें अपॉइंट भी कर दिया है। वहाँ पे होपफुली उनके साथ बात भी हुई है। इकबाल सिंह नाम से एक पार्टी है दिल्ली से, और वो होपफुली आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर वो कह रहे थे कि वहाँ पे जो भी उन्होंने इंटरनल फिटिंग्स और सेटिंग्स करनी है, उसके उपरांत 3 महीने में इसको वो स्टार्ट कर देंगे। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।